नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायती चुनाव होने वाले हैं, तो आज हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा के मीठियावास ग्राम पंचायत के अंदर है और गांव है गुपखेड़ा। तो वहां से हमारे साथ वाजिद जी जुड़ चुके हैं, जो कि युवा चेहरे हैं, जो अपनी एक सरपंच पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार है कि वो चुनावी मैदान में जैसे कि सरपंच पद की दावेदारी कर रहे हैं। वाजिद भाई, पहली बार युवा चेहरे हो और चुनाव में आने का क्या मूड रहा, क्या वजह रही कि राजनीति में आना चाहते? ये वजह रही कि गांव में पहले भी सरपंच बने थे, लेकिन उन्होंने गांव के बारे में कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं किया जो कर सके। अब से पहले जो फिलहाल प्लान खत्म हुआ उसमें भी हम सरपंच हैं। उससे पिछले मतलब 5 साल पीछे की देखो तो आप उठा के देखो तो मतलब इतने था, बहुत गड्ढे थे गांव में, हमने पूरे गड्ढे कम्प्लीट किए। अब बाकी का काम है वो पीछे से नहीं पता किस वजह से नहीं दे पाते, बहुत कम दे पाते हमारी पंचायत को। अब आगे वाले समय में इसलिए कि पूरा गांव अच्छे से हो जाए और गांव का विकास हो, इसलिए दोबारा। वाजिद भाई, देखिए बात करते हैं युवाओं को लेकर, क्या सोच रहे कि आप भी युवा चेहरे और हर चुनाव में युवाओं का अहम रोल रहता है, किस तरह आप युवाओं को लेकर काम करेंगे? युवाओं को लेकर काम करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार की जरूरत है जी, और रोजगार तो कमी पढ़ाई की वजह से होती है। तो पहले स्कूल था, पिछले जो 5 साल गुजरे 5वीं तक वो हमने 8वीं तक करा दिया। अब सोचते हैं मतलब आगे अगर इसी तरह चलता रहा तो हम 10वीं तक कराएंगे, अच्छा शिक्षा प्राप्त करके बच्चे आगे तक जाएंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। वाजिद भाई, बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत की, 3 से 4 गांव आपकी ग्राम पंचायत से जुड़े हैं। अगर बात करते हैं, अगर यहाँ से जो मेन मोटिव है, अगर बात करें विकास कार्यों को लेकर, तो कुछ काम ऐसे जो किन्हीं कारणवश नहीं हो पाए, क्या कहेंगे, किस तरह उनको पूरा कराने का काम करेंगे? तो उनको जैसे कि जो कुछ हमारे से कमी रही, क्योंकि हमारे जो पिछले 5 सालों में पाप आते वो कुछ अनपढ़ थे इसकी वजह से भी, और अब फिलहाल इतने हमको भी नॉलेज नहीं थी, अब हम भी थोड़े से मतलब उससे जुड़ गए तो जो कमी उनको पूरा करा देंगे। वाजिद भाई, देखो अगर बात की जाए ग्राम पंचायत की आपकी, चाहे हम बात करते हैं हर घर नल हर घर जल, जल जीवन मिशन, क्या कह रहे हैं जल जीवन मिशन से, कितने लोगों को फायदा मिला? मिशन में देखो अभी भी थोड़ा सा काम उसमें भी अधूरा है, क्योंकि उसमें अभी पूरी तरह नल नहीं चले हैं, चले हैं तो पानी पाइप टूटी पड़ी है, अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें हमने हर घर नल एक नल निकाल दिया है, उसमें जैसे कि मोटर चलेगी 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम तो उसमें हर घर पानी पहुंच जाएगा, अभी वो काम कंप्लीट नहीं। काफी प्रॉब्लम आती है रोडों को लेकर, क्या कहेंगे इस चीज को? देखो सर, मतलब काम तो हमने कराए हैं, बल्कि कुछ रोड अधूरे हैं, वो अधूरे हैं कि पहले कुछ काम हुआ नहीं था, अब जितना हो सका हमने किया, अब लगातार हम निरंतर उसी में बात कर रहे हैं और चल रहा है जी। लगभग अभी 2-4 रास्ते अधूरे हैं, वो भी बन जाएंगे, हम आगे पेश कर रहे हैं चीज। देखो वाजिद भाई, बात करते हैं शिक्षा को लेकर, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आपके ग्राम में आपने बताया 8 तक स्कूल है, बाकी के बच्चों को अगर आप पर जनता भरोसा जताती है और युवा चेहरे को चुनती है, तो किस तरह शिक्षा का काम करेगा अपनी ग्राम पंचायत वासियों के लिए? देखो जितना हमसे हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। हाँ। और कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं, कर भी रहे हैं, फिलहाल जैसे 5 तक थी अब 8 तक हो गई है, अब और आगे बढ़ेगी, अब जैसे उसमें कमरे वमरे की व्यवस्था नहीं है उसके लिए भी हम आगे जी कोशिश कर रहे हैं। देखिए वाजिद भाई, बात करते हैं आपके यहाँ से बच्चे अगर पढ़ने के लिए तो टपोकड़ा जाते हो, जो आपके 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर, अगर बात की जाए खेल ग्राउंड को लेकर, तो आपके यहाँ पर स्कूल के अंदर खेल ग्राउंड मिली, अगर बात करें 8 या बात करते हैं 10 तक स्कूलों की, क्या किस तरह काम करेंगे? तो देखो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी सुविधा हो जाए, फिलहाल तो नहीं है, ये बात सच है। अगर आप पर जनता भरोसा जताएगी तो क्या पूरा कर सकते हैं, आपको उम्मीद है? हाँ, कि जनता को लगेगा कि आपने विकास किया? अल्लाह पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे, करते रहेंगे जब तक है, जब तक गांव भरोसा जताएगी पब्लिक हम। वाजिद भाई, मैं आपसे, जैसे कि आपका जो इलाका है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाका है, खेती पर निर्भर है, बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसी टाइम फसलों का एक अहम वो है, अगर बिजली नहीं आएगी तो फसल नहीं होगी, क्या कितना? नहीं नहीं, बिजली की सुविधा तो है, ऐसा कुछ नहीं, बिजली की तो पूरी सुविधा है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वाजिद भाई, आपकी ग्राम पंचायत के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि आप पर वो भरोसा जताए, युवा चेहरे को चुने, किस तरह आपने पंचायत के वोटर्स को अपील करेंगे? देखो हमने अभी 5 साल नहीं गुजरते तो पब्लिक कह भी सकती थी। हाँ। लेकिन अभी फिलहाल जैसे 5 साल बीत गए, उसमें कोई पब्लिक को कोई कष्ट दिया हो, जैसे किसी प्रकार का कोई कष्ट अभी तक हमने तो अपनी तरफ से तो दिया नहीं है, और ऐसे ही हम आगे जाके इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा वाजिद भाई, अगर आप पर जनता भरोसा जताती है और आपको सरपंच बनाकर पंचायत में भेजती है, क्या आपकी पंचायत में जितने भी विकास कार्य नहीं हुए क्या पूरा करा सकते? उम्मीद है, पूरी कराएंगे,
भरोसा है पूरा करा देंगे। तो आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत हमारे समस्यावास से जो युवा चेहरे बाबाजी जी सामने आ रहे थे जो कि सरपंच पद के एक खास दावेदार है, मेरे साथ आप लगातार देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।